उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में स्थित नंदग्राम वार्ड नंबर 6 से गठबंधन प्रत्याशी श्रीमती पूजा मौर्य ने बताया, हमारे वार्ड नंबर 6 में लोगों को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आगे जाने में दिक्कत होती है, बारिश का पानी ना लिया सड़कें जल भर जाता है और खेलने कूदने के लिए कोई स्टेडियम नहीं है। पूजा मौर्य ने वादा किया है कि अगर हम इस बार जीते हैं नालिया खंड जाम नंदराम की आम समस्याओं का स्टेडियम का समाधान करेंगे और अपने वार्ड में कोई भी किसी भी लोगों को कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। आपकी बेटी बनकर अपने वार्ड की परेशानी दूर करेंगे। श्रीमती जी, वार्ड 6 से आप खड़े हैं, तो क्या तैयारी आपकी चल रही है? तैयारी तो जोरों शोरों से चल रही है और हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि सभी लोग हमें ही चुने, क्योंकि यहाँ अभी जितने प्रत्याशी हैं वो या तो एजुकेट नहीं है या फिर उन्हें अभी तक कोई जानता नहीं है। उन्हीं के जो आस पड़ोस के लोग जानते हैं तो वही जानते हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि जनता हमें चुनेगी। ऐसी क्या योजनाएं आप लाएंगे युवाओं के लिए, क्योंकि यहाँ के वोटर अभी हमने चेक किया, हम सर्वे कर रहे थे, काफ़ी यंग लड़के तैयार हो चुके हैं, वोटर बन चुके हैं, तो उनके लिए क्या आप लोग सोच रहे हैं? पहले तो आपके चैनल के माध्यम से सभी लोगों को, मेरे क्षेत्रवासियों को, पूरे भारतवासियों को नमस्कार, जय भीम, नमो बुद्धाय। युवा अभी हमारे यहाँ है, एक हमारा जो नंदग्राम का एरिया है काफ़ी पिछड़ा हुआ है, पर यहाँ पे जो कि लड़के खेलने कूदने के लोग हैं वो आगे निकलना तो चाहते हैं लेकिन कोई स्टेडियम नहीं है। तो हमारा प्रयास रहेगा कि जब हम जीतते हैं तो कोई ऐसा हो कि नंदग्राम में एक स्टेडियम बने, हमारा पूरा प्रयास रहेगा और जो भी युवा हैं वो जोश के साथ आगे आए। बाकी तो जो कुछ चल रहा है, जनता हमें बहुत ज़्यादा लोग चाहती है और हम जनता की ही वजह से आगे चल रहे हैं। पूजा जी, चुनावी मुद्दे क्या रहेंगे? चुनावी मुद्दे तो वैसे काफ़ी हैं, जैसे आप देखते हैं ये सड़क, आप आए हैं इसी रास्ते से, क्या हालत है इसकी, नालियाँ एकदम भरी पड़ी हैं, सीवर ओवर फ्लो के बह रहे हैं, दो दिन से तो पानी नहीं आया है और लोग उससे बहुत ज़्यादा परेशान हैं। और बिजली की तारें आप देख ही रहे हैं कि कैसे, ना कोई मैनेजमेंट है ना कुछ है, यहाँ हर जहाँ थोड़े सा मौसम गर्म होगा वहाँ ट्रांसफार्मर फूट जाते हैं, कई बार चाहते हैं कि अगर आप हमें अपना पार्सल बनाते हैं तो हम मुद्दों पे काम करें। मुझे कोई संदेश देना चाहेंगे आप नंदग्राम वासियों को? हाँ, सभी भाइयों से मेरा यही निवेदन है कि ये तो 11 मई को ज़्यादा से ज़्यादा मुझे वोट देके लोग जिताएं और हमारी मेयर साहिबा पूनम यादव जी को भी, मेयर का प्रत्याशी है, उनको ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से जिताएं ताकि हमारे जितने लोग हैं अगर जीतते हैं तो हम लोग गाजियाबाद के युवाओं के लिए अच्छी से अच्छी योजना लाएंगे ताकि उनका ज़्यादा से ज़्यादा विकास हो सके, ज़्यादा से अच्छी उनको शिक्षा मिल सके। और बाकी जनता सब समझती है, जनता हमारे साथ है, जनता को जितने लोग हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, मैं आपसे यही चाहती हूँ कि आपकी बेटी, आपकी बहू यहीं रही हो, आप लोगों को भी जमीन से जुड़ी हुई हूँ, तो मेरा बस यही है विश्वास आप लोगों से कि आप मुझे भारी से भारी मतों से जिताएं और मैं इसी जमीनी स्तर से कार्य करती रहूंगी और आपको। सभी भाई बंधु को नमस्कार। जमीन से जुड़े हुए राजनीतिक में मुझे कम से कम 15 से 17 साल हो गए हैं और हम यही चाहेंगे कि जितने लोग हमें ज़्यादा से ज़्यादा वोट देकर विजयी बनाएंगे, हम उनका ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग हमें मिलेगा तो हम उनके बहुत आभारी रहेंगे। हम उनका बेटा अपना बच्चा समझ के हमें ज़्यादा से ज़्यादा योगदान करें ताकि आने वाले 11 तारीख को हमें वोट मिले और 13 तारीख को जब वोटिंग खुले तो उसमें हम विजयी हों। दबाइए और भारी से भारी मतों से जिताइए।